राप्ती नदी के किनारे रामघाट पर सोमवार को दोपहर में धर्मशाला बाजार से 5 लड़के नहाने गए थे। नहाते समय एक लड़का नदी में डूबने लगा, जिसे बचाने गए अन्य 4 युवक भी डूबने लगे। 5ों को डूबता देख आसपास के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। इसी दौरान वहीं के स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना 5ों युवकों को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, जिसमें से राप्ती नदी में डूब रहे धर्मशाला बाजार सुमेर सागर के मनोज गुप्ता, शेरा, शेरू और गोलू पासवान को बचा लिया गया। लेकिन नदी का बहाव तेज होने के कारण एक व्यक्ति धीरू को नहीं बचाया जा सका। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने देर शाम तक धीरू को खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। एसडीआरएफ की टीम अब मंगलवार की सुबह धीरू को तलाश करेगी। बताया जा रहा है कि 5ों युवक तगादे की रकम के लिए नौसड़ की तरफ आए थे, इसी दौरान नदी पर नहाने के लिए चले आए। गरिमत रही कि स्थानीय लोगों ने नदी में डूब रहे 4 लोगों की जान बचा ली। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय निवासी मंगरू सूरज सोनकर और एसडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर देवानंद बर्नवाल ने कहा। मंगरू, घटना 12 बजे की है, ठीक है। 12 बजे के बाद हम बचाए, क्या नाम है थाने वगैरह, कौन दरोगा इंचार्ज है ना, वो भी आए, वो भी किए, वो भी हमसे नंबर लिए, नंबर लेकर उसके बाद चले गए। कभी बाद में कोई दिक्कत होगा हमसे बोलिएगा। यहाँ 4 लोग नहा रहे थे, हम लोग मना कर रहे थे, नहीं माने, ऊपर से गाली भी दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे भाई। तो हम लोग हमको नहीं गाली दे रहे, दूसरे को गाली दे रहे थे। तो लोग हमको पूरा बताएं भैया ऐसी ऐसी बात है, हम बचाने के बाद हमको बताएं। वो डूब गए तो हम बचाए गए, तब बाद में हमसे बताएं कि उनकी फैमिली थी, पूछे आपके आपके पति डूबे कौन डूबे, कहने मेरे पति डूबे पर कौन सा बंडी पहले, तो कौन सा अंगोछा, तो नीला उठी वो रंगा बुसर जो पहरा नगर लौंडा वही रंगा उठी था। उम्र तो हम नहीं जानते हैं, अरे कहो 2-3 लेके, अगर 2-3 लेके तो बात होंगे। हाँ, इसमें से एक आदमी ला पता है, 4 लोग को सूरज सोनकर। 5 लोग आए थे, 5 लड़के थे, तो अपना ही नहाए धोए, अब 4-5 डूबने लगे। 4 करीब में थे, वो थोड़ा बह गया था बचाने वाला, 4 लोग को बचा दिया एक सदर में। 3 लोग ठीक है, हमारा भाई लापता है, हमारा छोटा भाई धीरू सोनकर आया था, जैसे भेजे थे तगादे के लिए, तो चला आया गाड़ी लेके, गाड़ी भी हमारी यहीं खड़ी है। तो लोग पता चला कि जो 3 लोग यहाँ से गए कि वहाँ पे धमसाले पे फलकाम काम करते हैं, तो भैया हम बचा नहीं पाए। तो बोले क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि गए थे घूमते और वो बह गया। तो हम सोचे कि नकोवा पीछे होगा, तो उधर खोज रहे थे, पता चला यहाँ यहाँ आए हैं। तो प्रशासन का सहयोग और इन लोगों का और आप लोग का शक नहीं होता। 27-28 साल के बीच का, नहीं 3 दोस्त आए बुआ का लड़का था। सब इंस्पेक्टर देवानंद बर्नवाल, SDRF लखनऊ। 1 बजे की घटना है और हम लोग लगातार सर्च कर रहे हैं। जैसे ही हमें सूचना मिली है, हम लोग तत्काल टीम को मूव करवाए हैं और अपने डीप ड्राइवर को उतारे थे। लगभग डीप ड्राइवरों ने 2 घंटे तक सर्च किया, लेकिन डेड बॉडी का पता नहीं चला है। नदी का बहाव काफ़ी तेज़ है और चौड़ाई भी ज़्यादा है, और शंका है कि बॉडी आगे तक बह गई होगी। लेकिन फिर भी हम काफ़ी प्रयास करेंगे और कल भी सर्च करेंगे। अंधेरा होने के कारण आज सर्च बंद किया जाए। हमें प्राथमिक सूचना मिली थी कि 5 लोग यहाँ पर आए थे
और एक को बचाने के चक्कर में चार और डूब गए, लेकिन एक स्थानीय गोताखोर ने, एक स्थानीय नाविक ने चार लोगों को बचा लिया है और एक की सर्च हम कर रहे हैं।